हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मोल कंसेप्ट। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक्स आई विल स्टार्ट मास परसेंटेज। तो लुक हियर, वन क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। एनटीपी मींस नॉर्मल, एनटीपी फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एज वेल एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी। एनटीपी एंड एसटीपी बोथ कंडीशन आर सेम। एट एसटीपी वन मोल गैस ऑक्युपाइड 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। सिमिलरली एट एसटीपी वन मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइड 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। सो तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। सो एट एनटीपी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। दिस इज अ फॉर्मूला ऑलरेडी आई टॉट टू यू। टोटल वॉल्यूम गिवेन 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4। दिस वैल्यू 1/2, इट मीन्स 0.5 मोल। इट मीन्स 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी कंसिस्टिंग 0.5 मोल गैस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इट मीन्स n इक्वल n इंटू na, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑलरेडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, n इज द अवोगाड्रो नंबर। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, n वैल्यू 0.5 और na वैल्यू 6.023 इंटू 10^23। आफ्टर मल्टीप्लाई द वैल्यू विल बी 3.01 nearly into 10^23. So these molecules of oxygen are present in a 0.5 mole of oxygen gas. Clear? Okay. After this, this is already have calculated number of molecules. Now second one also given, calculate the number of atom. So look here, one molecule of oxygen contains two atoms of oxygen. It means one molecule oxygen consisting the two atom of oxygen, O2. So two means how many oxygen atom are there? Two. So this number consisting total number of atom. So 3.011 into 10^23 molecules of oxygen contain total number of oxygen atom equal, so we have to multiply by 2. So 2 into 3.011 into 10^23, after multiplying nearly the answer will become same as Avogadro number, 6.023 into 10^23. This number is a total number of oxygen atom, and this one is the total number of oxygen molecules, and this is a moles of oxygen present in 11.2 liter of oxygen gas at NTP. Okay, please take a screenshot, students. Well, student, question number second.
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। अकॉर्डिंग टू मूल कंसेप्ट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 5.3 ग्राम। सो लुक हियर हाउ टू डू, यू नो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज द 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। सो टोटल नंबर ऑफ सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल इन 5.3 ग्राम, तो देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n इक्वल w बाय m इंटू 6.023 इंटू 10 to power 23। अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिवेन 5.3 अपॉन मोलर मास, तो फर्स्ट फाइंड आउट मोलर मास, Na2CO3 मोलर मास, सोडियम इज द 2 इंटू 23 प्लस कार्बन 12 और 16, 3 जा 48। After solving the value will be 106. So molar mass of sodium carbonate is the 106 into 6.023 into 10 to power 23. It will be cancelled by 20. So 1 upon 20 या 1 upon 2 into 6.023 into 10 to power 22. After removing 10, 1 power will be cancelled. Or 0.5 into 6.023 into 10 to power 22. After multiplying, this value will be 3.011 nearly into 10 to power 22 molecules of sodium carbonate. It means 5.3 gram of sodium carbonate consisting 3.011 into 10 to power 22 molecules of sodium carbonate. Now in the question is asking calculate the number of each atom. Then in one molecule molecules of sodium carbonate contains number of sodium, how many sodium are there? 2 sodium are there. Number of oxygen, यह नंबर ऑफ कार्बन 1, ओनली 1 कार्बन। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर 3.011 इंटू 10 to power 22। तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दैट इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ दीज एटम्स। तो लुक हियर हाउ टू डू, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट फर्स्ट। So, number of sodium atoms in this number. So, 2 into 3.011 into 10 to power 22 are nearly 6.022 into 10 to power 22. So, this is a number of sodium atoms in 3.011 into 10 to power 22 molecules of sodium carbonate. Similarly, number of carbon atom. So, one sodium carbonate molecule consisting one carbon atom. So this number, so 1 multiply by 3.011 into 10 to power 22. So, same answer will be, this is the number of carbon atoms. Now, the last, Number of oxygen atoms, you know, one sodium carbonate molecules consisting 3 atoms. So this number is multiplied by 3.011 into 10 to power 22, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 0 0 3 3 9. So this is a total number of oxygen atoms. So this is your answer. So suppose this kind of the question will be come anywhere. So first we have to calculate exact number of molecules. After calculating of number of molecules, we have to find out one molecules how many atoms are consist. So in sodium carbonate, one molecule sodium carbonate consisting 2 atom of sodium, 1 atom of carbon,
and 3 atom of oxygen. After finding this number, these numbers multiply by the total number of molecules. So that is your exact answer. So please take a screenshot.